वैसे तो तेरी सास बड़ी बातें सुना रही थी, अब उसकी गैरत कहाँ चली गई? अपने होने वाले दामाद के साथ अब अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए भेज दिया? अम्मी आप जानती हैं ना रीबा को कि वो कितनी जिद्दी है, हर बात मनवा लेती है। और अम्मी अम्मी को तो बेटी की मोहब्बत में कुछ नजर ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। अरे शानी के पास तो पहले ही पैसे नहीं टिकते। सोचा था समझदार बीवी आएगी उसकी तो उसका ख्याल रखेगी, उसे समझाएगी, तरीके से चलेगी, मगर भाई यहाँ तो मामला ही सारा उलट है। अरे चार पैसे बचाएगी तो दोनों के काम आएंगे ना। और ये अरीबा, ये तो अभी से अपने रंग दिखा रही है। शाजिया आपी, आप खुद ही बताएं, जो हम सामान लेकर आए थे क्या वो अच्छा नहीं था? एक से बढ़कर एक चीज लाए थे, लेकिन आपकी नंद के नखरे, उफ, ना शुक्री कहीं की। बहुत अच्छा था सामान, लेकिन अरीबा का पता है ना उसे कितने नखरे हैं। घर में भी कोई चीज बना लो तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो बहुत नखरे हैं उसके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, उस लड़की का हमारे साथ गुजारा कैसे होगा? रहने दे अम्मा, उसका गुजारा नहीं हो सकता हमारे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही शादी होगी वो शानी भाई को लेकर अलहदा हो जाएगी। है ये क्या ऑल पक रही है तू? जैसा उसका मिजाज है ना, उसे देख के तो मुझे यही लग रहा है। अनम क्यों परेशान कर रही है अम्मी को? देखो शाजिया बेटा, बात तो अनम बिल्कुल सही कह रही है, मैं अभी से बताई दे रही हूँ, उसे समझा देना। अगर उसका कोई ऐसा वैसा इरादा है ना तो भूल जाए। अरे एक ही एक बेटा है मेरा, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, और अलग होने का ख्याल तो अपने दिल से बिल्कुल निकाल दे वो। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी सास तो खुद इस चीज के खिलाफ है कि लड़कियां अलग घर लेके रहें। अरे रहने दो, तुम्हारी सास देखा है उसे, औरों की बेटियों के लिए ना उसके अलग से मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, और अपनी बेटी के लिए अलग। हाँ और जा, तू क्यों बैठी हुई है? बेटा जाकर चाय बना के ला।